हेलो फ्रेंड्स, हॉबीज और इंटरेस्ट के इस वीडियो सीरीज में मैं दीपक मोदी आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किन किन स्थानों से हम डाक टिकट एवं अन्य सामग्री को जमा कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो जो जमा की गई सामग्री है उसको फिलेटेली के कौन से ब्रांच के अंडर में हम जमा कर रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं ऐसी अलग अलग फिलेटेली की ब्रांचेस, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल फिलेटेली ब्रांच को। ट्रेडिशनल फिलेटली अपने समय में यह एक ही ब्रांच हुआ करती थी, जिसमें डाक टिकट संग्रहकर्ता अपने पसंद की सामग्री को इसमें जमा करके रखते थे। मगर आज ट्रेडिशनल फिलेटली में विशेषकर क्लासिक स्टैम्प्स और इन डाक टिकटों से जुड़ी प्रिंटिंग प्रोसेस को जमा करके रखा जाता है, जैसे कि इनके कलर ट्रायल्स, प्रूफ, एसेज, जो एक्सेप्ट की गई डिजाइन है, वो जिस डिजाइन्स को डिनाई किया गया है उन डिजाइन्स की कुछ सामग्री, इनके पेपर्स यानी कि जो जिस कागज पर डाक टिकट प्रिंट होते थे वो कागज, वॉटरमार्क्स, गम इत्यादि इत्यादि, इन सारी टेक्निकल चीजों का संग्रह ट्रेडिशनल फिलेटली के ब्रांच में किया जाता है। वैसे तो इसको इन सामग्री को जमा करना मुश्किल भी है और ये महंगा भी है, मगर फिर भी कई सारे डाक टिकट संग्राहक आनंद से इसका संग्रह करते हैं। इसके बाद बारी आती है पोस्टल हिस्ट्री ब्रांच की। आइए हम देखते हैं पोस्टल हिस्ट्री ब्रांच के बारे में। पोस्टल हिस्ट्री ब्रांच में एक संग्राहक जो आइटम्स होती है उसके रूट्स, रेट्स, मार्किंग्स, यूजेज और अदर जो पोस्टल एस्पेक्ट्स है उसके हिसाब से इसका संग्रह इस हेड में कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पोस्टल स्टेशनरी की। पोस्टल स्टेशनरी में एक संग्राहक जो ऑर्डिनरी एनवेलप्स है वे है, उसके बाद इनलैंड लेटर्स, उसके बाद एक्सप्रेस डिलीवरी एनवेलप्स, रजिस्टर्ड लेटर्स, एरोग्राम्स, पोस्ट कार्ड्स, रिप्लाई पोस्ट कार्ड्स, मेघदूत पोस्ट कार्ड्स और ग्रीटिंग पोस्ट कार्ड्स का संग्रह पोस्टल स्टेशनरी ब्रांच के हेड में कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एरोफिलेटली ब्रांच की। एरोफिलेटली में ऐसी कोई भी सामग्री जो हवाई मार्ग से एक स्थान पे दूसरे स्थान पर लेकर गई हो इसका संग्रह किया जा सकता है, चाहे फिर वह एयरक्राफ्ट से लिफ्ट की गई हो या पिजन पोस्ट द्वारा भेजी गई हो या बलून मेल द्वारा भेजी गई हो या पैराशूट द्वारा भेजी गई हो या आज के ड्रोन द्वारा भेजी गई हो। इसी ब्रांच में आता है एस्ट्रोफिलेटली, यह एक और ब्रांच जिसमें रॉकेट मेल या स्पेस प्रोग्राम जो कि अनमैंड हो या मैंड, इन सारे स्पेस प्रोग्राम्स में भेजे गए जो डाक सामग्री है उसका संग्रह इस हेड में किया जाता है। इसके बाद बारी आती है थीमेटिक फिलेटली की। थीमेटिक का अर्थ होता है थीम, यानी कि एक सब्जेक्ट को लेकर डाक सामग्री को जमा करना और उसको एक सीक्वेंस में स्टोरी वाइज रखना, यह हो गया थीमेटिक कलेक्शन। हमने 150 वर्ष सेलिब्रेटिंग महात्मा का यह एक थीमेटिक एग्जिबिट आपके सामने रखा है, जिसमें हमने महात्मा गांधी से जुड़े हुए काफी सारे डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण, मिनिएचर शीट, फर्स्ट डे, ये सब कुछ इसमें हमने जमा के रखा है। इसके बाद बारी आती है मैक्सिमा फिली की। मैक्सिमा फिली का अर्थ होता है पिक्चर पोस्ट कार्ड सा कलेक्शन करना जो कि डाक टिकट को रिजेंबल करते हैं, उसकी डिजाइन का हूबहू वो दिखता है। यहां आपके सामने जो फूल है उनके डाक टिकट के डिजाइन के हूबहू मिलते हैं पिक्चर पोस्ट कार्ड और उन पर वो डाक टिकट और वो कैंसलेशन भी यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद बारी आती है रिवेन्यू क्लास की। रिवेन्यू ब्रांच में कोई भी डाक टिकट संग्रहकर्ता जो टैक्सेस के स्टैंप्स होते थे, जैसे कि कोर्ट फी स्टैंप हो गया या किसी टैक्स के पेमेंट का स्टैंप हो गया, इंश्योरेंस का स्टैंप हो गया, इन सारा संग्रह इस हेड में करते हैं। मैंने यहां पर जो भारत के विभिन्न राजा महाराजा थे उनके यह राज्य के डाक जो टिकट है रिवेन्यू स्टैम्प्स इनको रखा गया है, जिसमें कुछ कोर्ट फी स्टैम्प्स है, कुछ टैक्स के स्टैम्प्स है, जैसे कि अलावा स्टेट हो गया, मारवाड़ स्टेट है, बीकानेर स्टेट है, इन सभी स्टेट्स के यह टिकट हैं।
इसके बाद बारी आती है प्रथम दिवस आवरण यानी कि फर्स्ट डे कवर के ब्रांच की। फर्स्ट डे कवर के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें एक संग्राहक सारे फर्स्ट डे कवर्स को संग्रह में रख सकता है। और इसके बाद बारी आती है स्पेशल कवर ब्रांच की, जिसमें एक डाक टिकट संग्राहक जो विशिष्ट आवरण यानी विशेष आवरण भारतीय डाक विभाग द्वारा समय समय पर किसी विशेष कार्यक्रम अवसर को स्मरणार्थ बनाने के लिए जारी करते हैं, ऐसे आवरणों का संग्रह किया जाता है। ये मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित कला सागर इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया गया भारतीय ललित कलाएं यानी कि इंडियन फाइन आर्ट्स इस सब्जेक्ट पे जारी किया हुआ यह विशेष आवरण है, स्पेशल कवर है, जिसके डिजाइन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे भारतीय डाक विभाग द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की डाक सेवाएं जो बड़ी रोचक भी है और असंभव सी लगती है, जो जानकर आपको बड़ा आनंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।